दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, अगर आप सऊदी अरब से इंडिया और नेपाल और बांग्लादेश और पाकिस्तान अगर आप पैसा भेजना चाहते हैं तो आज कौन सा बैंक सबसे ज़्यादा रियल रेट दे रहा है। तो यही मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो अभी से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो यहाँ पे हम पहले बात कर लेते हैं एसटीसी पे आज सबसे ज़्यादा रियल रेट कौन सा बैंक दे रहा है। तो एसटीसी पे देखिए, इंडिया के लिए दे रहा है 19.60 रुपया और पाकिस्तान के लिए 44.03 रुपया। अब हम बात कर लेते हैं बांग्लादेश के लिए, एसटीसी पे दे रहा है 22.03 रुपया और नेपाल के लिए 31.08 रुपया। इसी तरह हम फिर से बात कर लेते हैं अलराजी बैंक की, तो अलराजी बैंक दे रहा है इंडिया के लिए 19.70 रुपया और पाकिस्तान के लिए 44.02 रुपया। इसके बाद देखिए, अलराजी बैंक दे रहा है बांग्लादेश के लिए 22.03 रुपया और नेपाल के लिए 30.09 रुपये। इसके बाद हम बात करते हैं एनसीबी क्विक पे, तो एनसीबी क्विक पे दे रहे हैं इंडिया के लिए 19.40 रुपया और पाकिस्तान के लिए मनीग्राम बैंक दे रहा है 44.02 रुपया। क्विक पे दे रहा है बांग्लादेश के लिए 22.250 रुपया और क्विक पे दे रहा है नेपाल के लिए 31.07 रुपया। इसी तरह हम बात कर लेते हैं फबरी बैंक, तो फबरी बैंक इंडिया के लिए दे रहे हैं 19.70 रुपया, पाकिस्तान के लिए 44.02 रुपया। इसी तरह हम बात करते हैं बांग्लादेश के लिए, फबरी बैंक 22.252 रुपया दे रहा है और नेपाल के लिए 31.06 रुपया दे रहा है। इंजाज बैंक दे रहा है इंडिया के लिए 19.70 रुपया और इंजाज बैंक दे रहा है पाकिस्तान के लिए 44.04 रुपया। इसी तरह बांग्लादेश के लिए दे रहा है इंजाज बैंक 22.350 रुपया और नेपाल के लिए इंजाज बैंक दे रहा है 31.08 रुपये। इसी तरह हम बात कर लेते हैं अगला बैंक, तो अगला बैंक वेस्टर्न यूनियन लास्ट में आ जाता है। वेस्टर्न यूनियन दे रहा है इंडिया के लिए 19.60 रुपया और वेस्टर्न यूनियन दे रहा है पाकिस्तान के लिए 44.300 रुपया। वेस्टर्न यूनियन बांग्लादेश के लिए दे रहा है 22.383 रुपया और नेपाल के लिए वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 31.08 रुपये।